नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या खबर। भाई, सोशल मीडिया पर दिवाली के दिन जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कुछ पोस्ट कर दिया जिसके बाद उनकी चर्चा बेहद तेज हो गई। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, सभी तमाम नेता जो है वो आखिरकार इनके पीछे लग गए और साफ तौर पर लिखते नजर आए कि ऐसा भैया क्यों कर दिया। दरअसल श्रीरामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपने विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहे समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य अब देवी लक्ष्मी पर तंज कसते हुए विवादों में घिर गए। बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सभी ग्रहणियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मौर्य ने रविवार को दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी तस्वीरें डाली। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी की पूजा व सम्मान। पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, दो छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ और हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, जो आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। मौर्य ने इस बारे में पूछे जाने पर कई चैनलों को कहा कि भैया अगर गृहिणी पर घर की लक्ष्मी है तो उसकी पूजा करो, उसका सम्मान करो, उसे महत्व दो, उससे ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। मैंने अपनी पत्नी की पूजा करके ये परंपरा शुरू की। एक्स पर अपने पोस्ट का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने केवल वही किया जो वैवाहिक, सत्य, वैज्ञानिक और शाश्वत में है। मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ। मैंने एक्स पर पोस्ट में जो लिखा है उस पर मैं कायम हूँ। मैंने इसे सोच समझ कर लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट के बाद जो है वो भूचाल मच गया। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीटीआई भाषा से कहा कि ऐसा लगता है कि वो किसी एजेंडा के तहत जो है सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी जी पर जो बयान दिया है उससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों और उनके भाषण पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता हूं। ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को खत्म करने के लिए सुपारी दी है। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मौर्य के पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख, चुप हैं। क्या ये सब उन्हीं के कहने पर ही हो रहा है? मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 5 साल भाजपा में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करिए, ये आपके निजी विचार हैं, समाजवादी पार्टी से इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। इनके अलावा उन्होंने लिखा कि बकायदा कम से कम आप अपने बेटी बेटे को समझा लेते, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करिए, ये निजी विचार हैं आपके। मैनपुरी की सांसद बहन डिंपल यादव जी 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके लौटी हैं। हिंदू धर्म में पूरी आस्था है समाजवादी पार्टी की। तो एक और यहाँ पर पोस्ट करने के बाद जो है सोशल मीडिया पर तमाम विपक्षी दल अब जो है उनके पीछे लग गए, और साथ ही साथ ना केवल विपक्षी दल बल्कि उन्हीं के पार्टी के नेता जो है, कुछ नेता वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये कैसा आपने बयान दे दिया सोशल मीडिया पर, कृपया करके पार्टी को जो है खत्म करना बंद करिए, और यहाँ पर जो बयान दे रहे हैं आप वो आपके खुद के निजी विचार हैं और सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करें उसे थोड़ा ध्यान से पोस्ट करो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लोग जो है वो कहते नजर आए कि योगी बाबा कम से कम इनके बोलने पर बैन तो करिए। तो सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा का विषय बने हैं और इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।